Today I'm going to teach you 6 English vocabulary which are very helpful to improve your communication skill and English language. Yes, which are very helpful to improve your English language. So meri aap se request hai, please meri aap se request hai, jab tak ki pura video aap dekh na liye, video ko skip mat kariyega aur 20 message chhod ke mat jayega, kyunki bahut hi video bahut hi interesting hone wala hai. Aur please pura last tak dekhiyega, tabhi aapko samajh mein aayega aur tabhi aapko uski importance pata chalegi. Theek hai, so don't waste time and let's go started. Number 1 1 2. Yeah, I want to go there, I want to come here, I want to meet you, and I want to go for the vacation, I want to go for the holiday. मतलब मैं यहाँ जाना चाहता हूँ, I want to read this book, I want to write a letter. तो जहाँ मैं जाना चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ, मैं लिखना चाहता हूँ, मैं खाना चाहता हूँ और मैं घूमना चाहता हूँ, तो वहाँ पे want to का use होता है, want to का use होता है. But एक जगह want का और भी use होता है, चाहिए के सेंस में. जी हाँ, अब आप लोग सोचेंगे चाहिए तो शुड से होता है, ये वॉन्ट कैसे होता है, तो वही मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ. तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा. चाहिए में जहाँ पे डिजायर छुपी हुई, आपकी इच्छा छुपी हुई, डिजायर छुपी हुई हो, वहाँ पे हम वॉन्ट का यूज करते हैं. वॉन्ट टू का नहीं यूज करते, वॉन्ट, सिर्फ वॉन्ट का यूज करते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपकी इच्छा छुपी है. जैसे आई वॉन्ट अ रेड साड़ी, आई वॉन्ट अ वाइट शर्ट फॉर द जॉब इंटरव्यू, आई वॉन्ट अ हॉलीडे फॉर द वोकेशन. तो जैसे वहाँ पे आपकी इच्छा छुपी हुई है कि आप चाहते हैं कि आपके पास कई सारी साड़ियाँ हैं, लेकिन आपके पास रेड साड़ी नहीं है, तो आपको रेड साड़ी चाहिए. आपके पास कई सारी शर्ट के कलर हैं, बट आपके पास वाइट शर्ट नहीं है, वाइट शर्ट पहन के जाना चाहते हैं जॉब इंटरव्यू के लिए, तो वहाँ आपके लोग वाइट शर्ट चाहिए. तो यहाँ पर आपकी इच्छा छुपी है, डिज़ायर छुपी है, और लास्ट में चाहिए भी आ रहा है. क्या आ रहा है? चाहिए भी आ रहा है. बट यहाँ पर सूट का यूज़ नहीं होगा, यहाँ पर सूट का यूज़ नहीं होगा, यहाँ पर भी वॉन्ट का यूज़ होगा, और करेक्ट सेंटेंस वॉन्ट करके ही बनेगा. शुड का भी आगे यूज है, वो मैं आपको बताऊंगी, तो करेक्ट सेंटेंस वॉन्ट करके ही बनेगा. वॉन्ट टू भी नहीं लगेगा, वॉन्ट टू तो चाहता हूँ मैं लगता है, लेकिन यहाँ पे इच्छा अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं, डिजायर जाहिर कर रहे हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए. तो जहाँ पे इच्छा जाहिर करते हैं, डिजायर जाहिर करते हैं, वहाँ पे वॉन्ट का यूज लगता है, वॉन्ट टू का नहीं होता है. वर्ड के हिसाब से फॉर्म्स लगती है, और इसी इट के साथ वॉन्ट्स, और दे यू आई के साथ वॉन्ट और वॉन्टेड, एंड आप वर्ब के हिसाब से मतलब प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट के हिसाब से चेंज कर सकते हैं. बट मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ, सिंपल एग्जाम्पल बताती हूँ, तो आपको बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएगा. तो आई वॉन्ट आ रेड साड़ी, जी मुझे रेड साड़ी चाहिए, आई वॉन्ट आ रेड साड़ी, आई वॉन्ट अ वाइट शर्ट फॉर द इंटरव्यू, एंड आई वॉन्ट अ बाइक फॉर द गोइंग मार्केट, आई वॉन्ट अ बाइक, एंड आई वॉन्ट अ न्यू बाइक, यस आई वॉन्ट अ न्यू बाइक. तो इस तरह मतलब उनके पास बाइक तो कई सारी है, बट उनको एक नई बाइक चाहिए, उनको एक इच्छा है कि उनको नई बाइक चाहिए, तो मुझे नई बाइक चाहिए, तो वहाँ पर आई वॉन्ट अ बाइक आएगा, ना कि शुड का यूज होगा. ठीक है, तो समझ में आ रहा है ना दोस्तों. नेक्स्ट वन इज नीड. जी हाँ, नीड, नीड मीन्स जरूरत, जहाँ पे हमें जरूरत महसूस होती है, जिसके बिना कोई काम नहीं हो पा रहा है, वो काम रुका हुआ है और हमें बहुत जरूरत है, तो वहाँ पे हम नीड का यूज करते हैं. जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि आई वॉन्ट अ रेड साड़ी, ठीक है, उसमें डिजायर है, बट आई वॉन्ट अ साड़ी, मुझे एक साड़ी चाहिए, तो यहाँ पे नीड का यूज होगा. आई नीड अ साड़ी, आई नीड अ शर्ट, आई नीड अ बाइक. जैसे उसने वो उससे जैसे पहले मैंने आपको बताया था आई वॉन्ट अ वाइट शर्ट, तो उसमें भी एक डिजायर है, मतलब उनके पास कई सारी शर्ट है, बट उनको एक स्पेसिफिक कलर की, स्पेसिफिक वाइट कलर की शर्ट चाहिए. जैसे उसमें लास्ट मैंने बताया था रेड साड़ी, मैंने स्पेसिफिक रेड कलर की साड़ी चाहिए, कई सारी साड़ियाँ हैं बट उनको स्पेसिफिक रेड कलर की साड़ी चाहिए, क्योंकि उनकी इच्छा है रेड कलर की साड़ी पहनने की, उनकी डिजायर है व्हाइट कलर की शर्ट पहनने की, और बाइक भी नहीं लेने की. बट यहाँ पे जो मैं आपको बता रही नीड, जैसे आई वॉन्ट अ साड़ी, आई वॉन्ट अ शर्ट, आई वॉन्ट अ बाइक फॉर द जॉब इंटरव्यू, तो यहाँ पे जैसे उनके उनको एक साड़ी चाहिए, ना कि उनको उसके साड़ी के बिना कोई काम नहीं आगे बढ़ रहा है, कंपल्सरी है, तो एक साड़ी चाहिए, उनको एक शर्ट चाहिए, उनके
शर्ट के बिना काम नहीं हो रहा है कोई, मतलब जरूरतमंद इंसान है और जिसको एक शर्ट चाहिए, साड़ी चाहिए या फिर बाइक चाहिए, बाइक उसके पास बाइक नहीं है, उनको जॉब इंटरव्यू में जाना है, उस सही टाइम पर जाना है, तो उनको आप बाइक चाहिए, ना कि स्पेसिफिक कोई बाइक चाहिए कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, आप बाइक, ठीक है। तो वहाँ पे हम नीड का यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, नीड का, आई नीड अ साड़ी, आई नीड अ शर्ट, आई नीड अ बाइक, आई नीड अ जॉब, ओके, आई नीड अ लीव, मुझे छुट्टी की जरूरत है क्योंकि मुझे डॉक्टर के पास जाना है, तो आई नीड अ लीव। तो यहाँ पे हम नीड का यूज़ करेंगे, ठीक है, नीड का यूज़ करने सेंटेंस में तो यही आएगा कि मुझे चाहिए, एक छुट्टी चाहिए, मुझे एक साड़ी चाहिए, मुझे एक शर्ट चाहिए, मुझे एक बाइक चाहिए, बट यहाँ पे ना वॉन्ट टू का यूज़ होगा, ना ही वॉन्ट का यूज़ होगा, क्योंकि वॉन्ट टू जाना चाहना और लिखना पढ़ना के लिए यूज़ होता है, वॉन्ट का जहाँ पे डिज़ायर हो वहाँ पे वॉन्ट का यूज़ होता है, बट यहाँ पे एक ज़रूरत है, एक लीव की ज़रूरत है, उसको डॉक्टर के पास जाना है, एक साड़ी की ज़रूरत है, एक शर्ट की ज़रूरत है, बाइक की ज़रूरत है, तो यहाँ पे हम नीड का यूज़ करेंगे, क्या, नीड का यूज़ करेंगे। सो दोस्तों कैसा लग रहा है, मुझे लग रहा है आई थिंक आपको, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ आपको समझाने की, और आई थिंक आपको समझ आ रहा है, तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो फटाफट मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और डोंट प्रेस द बेल आइकन, और जैसे बेल आइकन प्रेस करेंगे तो मेरा न्यू अपकमिंग वीडियो आपके मिल जाएगा। तो गाइस डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन, और वीडियो शेयर साथ में शेयर भी करिए और फटाफट सब्सक्राइब करिए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड, रिक्वायर, जी हाँ, जहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट है किसी चीज़ की, छोटी मोटी चीज़ की नहीं, बड़ी चीज़ की, जी हाँ, जैसे कि जस्ट लाइक आई रिक्वायर मर्सिडीज, आई रिक्वायर बंगलो, आई रिक्वायर अ सर्वेंट, मतलब कि जहाँ पे हम ऐसे आराम की चीज़ें, सुख सुविधा की चीज़ें ढूंढते हैं, ऐसे आराम की चीज़ें ढूंढते हैं, बबलास की चीज़ें ढूंढते हैं, तो वहाँ पे हम रिक्वायर का यूज़ करते हैं, ना कि शुड का यूज़ करते हैं, किसी चीज़ का यूज़ करते हैं, रिक्वायर का, यहाँ पे भी इच्छा है, डिज़ायर है, बट यहाँ पे बड़ी डिज़ायर है, जी हाँ, बड़ी, मुझे मर्सिडीज़ चाहिए, मुझे इनोवा चाहिए, मुझे बंगलो चाहिए जो कि समुद्र के किनारे हो, और मुझे सर्वेंट चाहिए क्योंकि आराम के लिए, तो ये जो चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें आराम सुख सुविधा की चीज़ें हैं, आराम की चीज़ें हैं, और बोगलास की चीज़ें होती हैं, तो उनको हम वहाँ पे हम रिक्वायर का यूज़ करते हैं, क्या, किस चीज़ का, रिक्वायर का, आई रिक्वायर अ सर्वेंट, आई रिक्वायर मर्सिडीज कार, आई रिक्वायर बंगलो, आई रिक्वायर आई रिक्वायर गोल्ड नेकलेस, आई रिक्वायर अ डायमंड रिंग, तो फिर ये यहाँ पे मतलब मुझे चाहिए, चाहिए तो आ रहा है, डिज़ायर भी है, बट यहाँ पे छोटी मोटी डिज़ायर नहीं है, यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी डिज़ायर है, तो यहाँ पे हम रिक्वायर का यूज़ करेंगे, किसका, रिक्वायर्ड, रिक्वायरमेंट, रिक्वायर्ड, सेंटेंस के हिसाब से, सेंस के हिसाब से चेंज करते रहेंगे, सेंटेंस के हिसाब से पास्ट टेंस है, परफेक्ट है, प्रेजेंट है या फ्यूचर है, उस हिसाब से हम चेंज करते रहेंगे, और अभी मैं आके आपको कुछ सेंटेंसेस भी दूंगी, तो जो इजी होंगे तो आपको समझ में आना पड़ेगा। तो बच्चों आपको समझ में आ रहा है ना कि यहाँ पे जहाँ पे हमारी डिज़ायर है, इच्छा है, बट छोटी मोटी इच्छा नहीं है, बड़ी इच्छा है, ऐसा आराम छुपा, ऐसा आराम छुपा, ऐसी सुविधा छुपी हुई हो और जरूरत नहीं है और छोटी मोटी इच्छा भी नहीं है, तो वहाँ पे हम रिक्वायर का यूज़ करेंगे, रिक्वायर का, आई रिक्वायर अ सर्वेंट, आई रिक्वायर मर्सिडीज का, आई रिक्वायर अ गोल्ड नेकलेस एंड अ डायमंड रिंग, ठीक है। तो इस तरीके कई सारे एग्जांपल्स हैं, आप, मैं आपको आगे एग्जांपल बताऊंगी और आप घर बैठ के बार बार इसको लिखिए, लर्न करिए, प्रैक्टिस करिए, और ना समझ आए तो बार बार इसको दोबारा वीडियो भी देखिए, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, और कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट लिख सकते हैं, तो वो मैं आपका नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके कंफ्यूजन इफेक्ट जरूर करना चाहूँगी कि आपका कंफ्यूजन क्लियर हो, तक मैं चाहती हूँ कि जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको बहुत ही अच्छे से समझ में आए और बहुत अच्छे से सीखें और मैं उनको अच्छे से सिखा सकूँ। तो गाइस आप लोग को रिक्वायरमेंट, रिक्वायर का मतलब समझ में आ ही गया होगा दोस्तों। तो वांट मैंने क्या पढ़ा आपको, वांट टू, वांट, नीड एंड रिक्वायर, ओके। सो लेट्स गो नेक्स्ट वर्ड,
नेक्स्ट वर्ड इज शुड। जी हाँ, अब आपके सामने शुड वर्ड आया है जो कि हम लोग मोस्टली चाहिए के लिए शुड ही लगा देते हैं। मुझे चाहिए, आई शुड, यू शुड गो देयर, यू शुड कम हेयर, आई वांट, जहाँ पे आई वांट होता वहाँ तो होता है, बट ज़्यादातर मोस्टली ऑलमोस्ट शुड का भी यूज़ हम लोग करते हैं। तो अब हम सिर्फ शुड का यूज़ नहीं करेंगे, हम सेंटेंस को समझेंगे, सेंस समझेंगे और वहाँ पे उसे के अकॉर्डिंग रिक्वायर और भी जो नेक्स्ट जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ उनको यूज़ करेंगे। तो शुड का मतलब हम जहाँ पे हम सलाह देते हैं, मशवरा देते हैं, जी हाँ, जहाँ पे हम किसी चीज़ के बारे में सलाह करते हैं, मशवरा करते हैं, तो वहाँ पे हम शुड का यूज़ करते हैं। जैसे कि तुम्हें अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, यू शुड रिस्पेक्ट टू योर एल्डर्स, यू शुड रिस्पेक्ट टू योर पेरेंट्स, यू शुड ओबे टीचर, मतलब तुम्हें अपने टीचर की आज्ञा माननी चाहिए, तुम्हें अपने अपने पेरेंट्स की आज्ञा मान के रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वहाँ पे हम शुड का यूज़ करते हैं, मतलब जहाँ पे हम सलाह देते हैं, मशवरा देते हैं, तुम्हें वो कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए, यू शुड रीड दिस बुक। तो जहाँ पे सलाह मशवरा का यूज़ होता है वहाँ पे हम शुड का यूज़ करते हैं, और जहाँ पे बड़ी डिज़ायर होती है वहाँ पे हम रिक्वायर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों समझ में आ रहा है बच्चों, और आप लोग को भी समझ में आ रहा है ना, ना समझ रहा है तो बार बार ये वीडियो देखिएगा। लेट्स गो नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज मस्ट। जी हाँ, जहाँ पे जरूर का शब्द है, जहाँ पे जरूर वर्ड है, जरूर शब्द है, मस्ट, यू मस्ट गो देयर, यू मस्ट ज्वाइन दिस कोचिंग, यू मस्ट ज्वाइन दिस बुक, तो मतलब जहाँ पे आपको जरूर ये काम जरूर करना चाहिए, मस्ट है मतलब कंपल्सरी है, आपको करना ही चाहिए, करना ही है, तो वहाँ पे आप मस्ट का यूज करते हैं। किस चीज़ का? मस्ट का, जो तुम्हें ये काम जरूर करना है, ये जैसे ऑफिस में भी बॉस लोग बोलते हैं यू मस्ट गो देयर, यू मस्ट कंप्लीट योर वर्क टुडे या फिर राइट नाउ, तो यहाँ पे हम मस्ट का यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें वो काम जरूर करना है या करना चाहिए, तो वहाँ पे मस्ट का यूज़ करते हैं। यू मस्ट गो देयर, यू मस्ट कंप्लीट योर वर्क टुडे, यू मस्ट रीड दिस बुक, यू मस्ट, कहते नहीं कि आपको, मुझे समय याद नहीं आ रहा है, प्रिपरेशन करनी चाहिए, यू मस्ट प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम, तो जरूर जहाँ पे कहते नहीं तुम्हें जरूर करना चाहिए, तो वहाँ पे मस्ट का यूज़ करेंगे। ठीक है, समझ में आया ना, वहाँ पे हम मस्ट का यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज आउट टू। आउट टू मीन्स, आउट टू का भी यूज़ हम चाहिए की जगह पे ही यूज़ करते हैं, चाहिए के सेंस में ही यूज़ करते हैं, बट हमें आउट टू का वहाँ यूज़ करना चाहिए जहाँ पे आज्ञा से, रिस्पेक्ट से रिलेटेड सेंटेंस हो, आज्ञा से रिलेटेड सेंटेंस हो, आदर हो, सम्मान हो, वहाँ पे हम आउट टू का यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जांपल, यू आउट टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, यू आउट टू रिस्पेक्ट योर टीचर, यू आउट टू ओबे योर पेरेंट्स, यू आउट टू ओबे योर एल्डर्स। ठीक है, या फिर जिनको आप अपना मेंटर मानते हैं, आप उनके बात सुनिए, तो वहाँ पे जहाँ पे आपको सम्मान आदर की और रिस्पेक्ट की बात हो वहाँ पे हमें आउट टू का यूज़ करना है। वहाँ पे किस चीज़ का यूज़ करेंगे? आउट टू का। ठीक है, तो मैं आप लोगों को फिर से रिपीट कर दे रही हूँ ताकि आपके माइंड में बैठ जाए, माइंड में स्टक कर जाए। ठीक है, सो पहले तो मुझे जहाँ जाना है, पढ़ना है, लिखना, आई वॉन्ट टू गो देयर, आई वॉन्ट टू कम हियर, जाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, सोना चाहते हैं, तो वहाँ पे आई वॉन्ट टू का, वॉन्ट टू का यूज़ होता है। जहाँ पे डिज़ायर हो, यानी छोटे मोटे डिज़ायर हो, बड़ी डिज़ायर नहीं हो, आई वॉन्ट अ रेड साड़ी, आई वॉन्ट अ वाइट शर्ट, आई वॉन्ट अ स्पेक्स, आई वॉन्ट अ सनग्लासेस, तो वहाँ पे हम वॉन्ट का यूज़ करते हैं, टू का नहीं यूज़ करते, वॉन्ट का यूज़ करते हैं। और ही चीज जहाँ पे प्लूरल हो वहाँ वॉन्ट, जहाँ पे सिंगुलर हो वहाँ वॉन्ट्स, और पास्ट टेंस के हिसाब से, फ्यूचर के हिसाब से चेंज करते रहते हैं, वर्ब्स चेंज करते रहते हैं। और नेक्स्ट, जहाँ पे हमें ज़रूरत हो, किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, उसके बिना मेरा काम, किसी का काम रुकता है या काम कंप्लीट नहीं होता है, तो उसको वहाँ पे नीड का हम यूज़ करते हैं, चाहिए में के सेंस में नीड का यूज़ करते हैं, ना कि हर चीज़ को शुड का यूज़ करते हैं। क्या किस चीज़ का यूज़ करना चाहिए, किस वर्ड का? नीड का वर्ड का यूज़ करना चाहिए। और जहाँ पे हमारी
ऐसो आराम की बात चलती हो, जहाँ पे सुख सुविधा की बात चलती हो वहाँ पे रिक्वायर का यूज़ करना चाहिए। किस चीज़ का किसका यूज़ करना चाहिए? रिक्वायर का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे सुख सुविधा ऐसो आराम की बुक ब्लास्ट की बात हो रही है तो वहाँ पे रिक्वायर का यूज़ करना चाहिए। और जहाँ पे बहुत ही ज़रूरी है वहाँ पे मस्ट का यूज़ करना चाहिए। जी हाँ, ज़रूरतमंद नहीं, नेट का यूज़ जो कि बहुत ही ज़रूरतमंद हो वहाँ पे नेट का यूज़, यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी है, मतलब जाना बहुत ही कंपल्सरी है, ज़रूरी है, तो वहाँ पे हम मस्ट का यूज़ करेंगे। यू मस्ट वॉच दिस मूवी या यू मस्ट वॉच दिस वेब सीरीज। तो जहाँ पे हम मस्ट ज़रूरी का यूज़ हो वहाँ पे मस्ट का यूज़ करते हैं। जहाँ पे आदर सम्मान या आदर सम्मान और रिस्पेक्ट की बात हो वहाँ पे हम आउट टू का यूज़ करते हैं। जहाँ पे आदर की बात हो, सम्मान की बात हो, रिस्पेक्ट की बात हो वहाँ पे हम आउट टू का यूज़ करते हैं। शुड का हर जगह यूज़ नहीं करते हैं, सेंस के जगह पे आउट टू का यूज़ करते हैं। तो ये थे हमारे 6 बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही हेल्पफुल वोकैबुलरी जो कि कम्युनिकेशन स्किल को ग्रोथ करने में बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करती है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल लगे बहु शीतल हो। जी हाँ, कबीर का दोहा है, वो कह गए हैं अपने दोहे में कि हमें हमेशा बहुत ही सॉफ्ट लैंग्वेज और सॉफ्ट स्पोकन होना चाहिए, जो कि खुद को भी अच्छा लगता है और औरों को भी बोलने में और सुनने में अच्छा लगता है। तो इंग्लिश बहुत ही सॉफ्ट लैंग्वेज है, बहुत ही खूबसूरत ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। तो कबीर जी ने बोला है, फिर से मैं रिपीट करती हूँ, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसे बारे में बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल लगे अपहु शीतल हो। दोस्तों फिर से मैं नेक्स्ट सॉरी, तो कैसे लगा आपको आज का वीडियो? तो फटाफट मेरा वीडियो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, ठीक है? तो नेक्स्ट मैं फिर से आपके सामने एक नया वीडियो लेकर हाजिर हूँ। तब तक लिख बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग एंड कीप स्प्रेड लव। Bye-bye. Take care. Bye-bye.